दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लैपटॉप चार्जर से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए चार्जर भी कनेक्ट है, पूरा ऑन भी है और यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको मैं कनेक्ट कर रखा है फिर भी कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है पर किसी तरीके का। तो इस केस में आपको क्या करना है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दो तरीके होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में बैटरी है, मतलब थोड़ा बहुत लैपटॉप चार्ज है, तो आप ऑन करके बैटरी के जो ड्राइवर हैं उनको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने का तरीका यही है कि आपको पहले उन्हें अनइंस्टॉल करना होगा कंट्रोल पैनल में जाकर, और फिर वहाँ पर देखिए बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, ये दो ड्राइवर आएंगे, इनको आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको दोबारा से अपने लैपटॉप को शटडाउन करना है, उसके बाद आप जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिक ड्राइवर आपके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों ये है, जैसे कि मान लो आपके लैपटॉप में बैटरी ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि इस लैपटॉप में बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो ये ऑन तो होगा नहीं, तो इस केस में आपको किस तरीके से सही करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लैपटॉप को पीछे से खोलेंगे और उसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसके बाद दोस्तों आपको इस बैटरी को रिमूव कर देना है। चलिए मैं रिमूव कर देता हूँ, देखिए रिमूव करने के बाद आपको इसे आराम से ओपन कर लेना है। ये देखिए मैं इसमें उन्हें निकाल दिया है। निकालने के बाद दोस्तों आपको एक काम और करना पड़ेगा, देखिए बैटरी रिमूव करने के बाद आपको अपने लैपटॉप के पावर बटन को प्रेस कर रखना है 20 सेकंड के लिए। इससे ये होगा कि जितनी भी बैटरी बची होगी अभी वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह रिसेट हो जाएगा, तो 20 सेकंड के लिए आपको रिसेट करना है, इसे दबा कर रखना है पावर बटन को। तो ये काम हमारा हो गया है, देख लीजिए मैंने बैटरी रिमूव कर रखी है, बैटरी रिमूव है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से बैटरी को लगाना है। ठीक है, फिर से हम बैटरी को लगा देंगे। दोस्तों बैटरी मैंने देखी लगा दी है, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं चार्जर से। ठीक है, फिर देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ चार्जर से। एक सेकंड, ये देख लीजिए यह चार्जर की पिन, और इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों ये कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार बात करते हैं तीसरे स्टेप की जो आपको फॉलो करना होगा। देखिए तीसरे स्टेप में आपको अपना ये चार्जर चेक करना है। चार्जर किस तरीके से चेक करना है इसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाइए, जो चार्जर का ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको आपको रिमूव करना है। तो देखिए रिमूव करने के बाद आपको सिंपली इसे कनेक्ट करना है अपने बोर्ड से यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए तीन पॉइंट होते हैं इसके चार्ज, एक होता है प्लस का पॉइंट, एक होता है माइनस का पॉइंट, और एक होता है अर्थ का पॉइंट। जो प्लस का पॉइंट है इसमें आपका टेस्टर बोलना चाहिए, मतलब टेस्टर जलना चाहिए, और माइनस के पॉइंट में टेस्टर नहीं जलना चाहिए, और अर्थ के पॉइंट में टेस्टर नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो प्लस है वो जल रहा है और बाकी नहीं जल रहे। ठीक है, अगर ये ओके है तो उसका मतलब आपका जो ये सिरा है चार्जर का ये बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने चेक कर लिया है ये बिल्कुल ओके है। अब मैं इसको करता हूँ बंद यहाँ पर। अब दोस्तों हम आते हैं अपने अगले, जो इसके बाद आपको लैपटॉप के चार्जर का ये हिस्सा चेक करना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि तार मुड़ी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा आपका लैपटॉप का चार्जर होगा तो तार मुड़ी होती हैं, तो आपको तारों को खींच के देखना है। यहाँ पर मैंने चेक किया था तो मेरी एक वायर यहाँ पर देखिए ब्रेक थी, एक वायर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक वायर मेरी ब्रेक थी, तो मैंने इसे काट के दोबारा से जोड़ दिया है अपने हाथ से ही। ठीक है, जोड़ने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि मेरा चार्जर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं इसे एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट से, यह है कनेक्ट करने के बाद मैंने इसे ऑन किया, ऑन कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कि जो इंडिकेशन है वो आ गया है, देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर
इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद आप देख लीजिए कि इंडिकेशन आ गया है चार्जर का, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे आपको जो करने हैं अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है या चार्जर काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।